नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछि मुनिवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रो माडिया सूची बात्या गुलाब आजि गोपालपुर ओ कलिंगपट्टनम मध्ये लैंडफॉल संभावना दक्षिण ओडिसा रो सात जिला रे बढिला सतर्कता गंजाम ओ गजपति रे पडिबो सर्वाधिक प्रभाव 70 रु 80 किलोमीटर बेग रे पवन बहिबा आशंका संभाव्य बात्या मुकाबला प्रस्तुति जातीय विपर्य परिचालना कमिटी बैठक में समीक्षा कले केन्द्र कैबिनेट सचिव राजीव गौबा दक्षिण ओडिशा रो सात जिला रे ओड्राफ एनडीआरएफ और अग्निशम टीम मुतयन लोकों सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करने को निर्देश विश्वर महामंचरु आतंकी को कड़ा संदेश परोक्ष रे पाकिस्तान को टार्गेट आतंकवादी को व्यवहार कले देबाक पड़िबो बहुमूल्य यूएन अधिवेशन को संबोधित करी कहिले मोदी भारत प्रगति ही विश्वर प्रगति विश्व दरबार में खोलिला पाकिस्तान रो मुखा जातिसंघर 67तम साधारण सभा रे पाकिस्तान को कड़ा संदेश देले भारत प्रथम महिला सचिव आईएफएस अधिकारी स्नेहा दुबे को नहीं चारिआड़े चर्चा आजि माओ दमन प्रसंगे गृहमंत्री अमित शाह गुरुत्वपूर्ण बैठक जोगदेवे 10 राज्यर मुख्यमंत्री मुख्य शासन सचिव एवं डीजीपी ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ बिहार भड़ी 10 माओ उपद्रव राज्यर प्रतिनिधि बैठक बैठक में सामिल होगा दिल्ली गस्तरे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बरगढ़ में पुलिस हेफाजत में युवकों मृत्यु घटना जातीय मानवाधिकार कमिशन द्वारा तदंत जिला बाहर पुलिस अधिकारी हे सामिल पश्चिमांचल डीआईजी जय नारायण पंकज सूचना सेपटे कड़ा कार्यानुष्ठान दावी कले परिवार लोके एवं तालिबान को अफगानी छोर खोला चैलेंज स्कूल जबार वंचित झीवों असंतोष नेला भयंकर रूप पाठ पढ़ा छोट झीर जुक्ति को सोशल मीडिया रे साबास बात्यार रूप नहीं बंगोपसागर में सृष्ट घूर्णिवय धीरे धीरे बात्या गुलाब स्थलभाग आड़ मुहांता बेले दक्षिण ओडिशार जिलागुड़ी सतर्क सूचना जारी करा आदि संध्या सुधा कलिंगपाटनम और गोपालपुर मध्य स्थलभाग छुईब सामुद्रिक झड़ गुलाब इस समय गंजाम और गजपति जिले में यार सर्वाधिक प्रभाव रथलभाग छुईवा समय प्रबल वर्षा सह पवन बेग घंटा प्रति 70 रु 80 किलोमीटर रहिबो आशंका करा जाउछि यार प्रभाव में दक्षिण ओडिशा रे वर्षा आरंभ मध्य हो जाइछि राज्यर अन्य स्थान मानकर मध्य झिपिझिपि वर्षा होउछि सेहिपरि पुरी खोर्धा कोरापुट और रायगढ़ जिले में मध्य बात्या गुलाबर प्रभाव देखा मिलिब ए जिला मानू ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि आईएमडी रो सूचना अनुसार बात्या गुलाब गोपालपुर ठारु 270 किलोमीटर और कलिंगपाटनम ठू 330 किलोमीटर दूर से रही 6 घंटा धरी 10 किलोमीटर बेगरे गति करुछि बात्या गुलाब वर्षा और पवन जो कच्चा घर और कांथ भुशुड़ा सह गार आशंका रही बन्या परिस्थिति सृष्टि फसल नष्ट आशंका रही समय समुद्र शांत रही 27 तारीख जाए मत्स्यजीवी को समुद्र को जीवाक बारण कर पारादीप और धामरा बंदर में 3 नंबर सतर्क सूचना जारी करे गोपालपुर बंदर में 3 नंबर सतर्क सूचना जारी हो तेरे बात्यार रूप नहीं बंगोपसगर में सृष्ट घूर्णिवय धीरे धीरे बात्या गुलाब स्थलभाग मऊता बेले दक्षिण ओडिशार जिलागुड़ी सतर्क सूचना जारी करा जाइछे
बाबदे आलोचना करवा प्रतिनिधि मैंने आम सहित जोड़ ब्रह्मपुर पीतांबर नाक आम प्रतिनिधि जोड़ सहित कलिंगपट्टनमु आम प्रतिनिधि मनोज मत आम सहित जोड़ प्रथम पीतांबर आप निकट को जीवा चाहिए पीतांबर बात्यार गतिपथ बर्तमान केउठी कहीं संध्या सुधा जहाँ सूचना रही कलिंगपट्टनम और गोपालपुर मध्य स्थलभाग छुईपे तांडव रचिपा बात्या गुलाब बर्तमान सद्यतम अपडेट कौन देवाक चाहिए बाबदे निवेदन निश्चित भाव कहीपर वर्तमान समय रे गुलाब स्थलभाग मुहाँ जी होती परिमाण में बर्षार वेग टिके टिके बढ़ी चलुची पवन गति वेग टिके टिके बढ़ी चलुची विशेष भाव आम कहीपर आज सका पाँचटू वर्तमान पर्यंत झिपझिप बर्षा हो वर्तमान किछिटा मात्रा रे वर्षा जदिओ कमुची पुणी आउ थरे केई केई स्थान रे अत्यधिक मात्रा वर्षा हेबार देखिबा को मिलुची विशेष भाबे वर्तमान मु किछि गच्छ पत्र रे मध्य चित्र देखाइबी जेहेतु आमे गोपालपुर एवं रामायापाटना मध्य रास्ता रे रहिछु जेन भली भाबरे आपण जानंती रामायापाटना खाली दिन मानक केमती जुआर उठिकी गाँव में बाड़े हुए आजिकार स्थिति केमती हुए तो आम आगुआ बुलेटिन में देखाइबु किंतु आपण देखुं पवन बेग टिके टिके बढ़ुची जे जो भाई भाव में पवन बेग सका किसी नाला कि वर्तमान समय रे पवन बेग टिके बढ़ी आ विशेष भाव गंजाम जमीक जिला प्रशासन पाखर जहाँकि सूचना मिलू जिलापाल पाखर जहाँ प्रतिक्रिया मिलू जो भाव में विशेष भाव पात्रपुर ब्लॉक जो आंकुली बुराताल अंचल रही सेगुड़ी से समस्त गाँव को से पंचायत समस्त गाँव को प्रत्येक लोक को स्थानातरण करने जिला प्रशासन अंटा भिड़ी एवं गंजाम जिलापाल अध्यक्षतार गोटे टीम वर्तमान से ही गाँव को पहुँचापी गोटे प्रकार निष्पत्ति रामायापाटनार जो अंचल रही जो आम सब चित्र देखाई जे केमती सामुद्रिक लहड़ी खाली दिन मानक आसिकी गाँ भर को प्रवेश कै से बाली बस्ता कथा कहिबा गुड़ी बस्ता सब किछि अटका जाइछि किंतु लोकों को इवाकुएट गत काली रातिरु करा जाइछि किछिटा मात्रा रे एवं आजि मध्ये करा जाइछि तो ए परिप्रेक्षी देखिबा निश्चित भावे जिला प्रशासन गोटे पटे पदक्षेप अन्य पटे लोक मानकर बेस सचेतनता जदिओ गोपालपुर रे मत्स्यजीवी माने वर्तमान सकाळ सुधा सातटी डंगा संपूर्ण भाबे समुद्र भितरे थिले सकाळ सातटा सुधा से माने आसी जाइछंती कुळकु किंतु मत्स्यजीवी मानक पाई विपद नुहबे विपद हेउची और रामायापाटना कथा कहिबा एवं पात्रपुर ब्लॉक कथा कहिबा ए दुईटी ब्लॉक गंजाम जिलार आ विशेष करी जो गंजाम ब्लॉक कथा कहिबा छत्रपुर ब्लॉक कथा कहिबा गोपालपुर कथा कहिबा ए सब सामुद्रिक अंचल लोक मानक कोठा घर एवं जो भाई भाव में बात्या आश्रयस्थल को आसवाई समस्त को परामर्श दि जाएगी आ विशेष भाव एनडीआरएफ टीम कथा कहबी ओड्राफ टीम कथा कहबी एनडीआरएफ टीम जो भाई भाव में गोटे टीम बर्तमान आशिकार पहुँची आउ गोटे टीम से पात्रपुर ब्लॉक रे पहुँचती कहीं से माने जो पहाड़ पर्वत गंजाम गजपति बोर्डर एरिया पहाड़ ऊपर जो लोक मैंने रही इवाकुएट कर बड़ सहायक हे ठीक से भाई ओड्राफ टीम जो टीम सदस्य मान रही से मध्य नदीकूलिया अंचल अर्थात आशिका पुरुषोत्तमपुर यह सब अंचल को पठाजार व्यवस्था कर तो मोटामोटी भाव में कहीपर विशेष भाव अग्निशम कर्मचारी मानक प्रत्येक ब्लक को पहुँचाईप निष्पत्ति अंपटे लोक मानती इवाकुएट कर कहीं दिन बारटा सुधा गोटे सुधा इवाकुएट प्रोसेस जदिओ शेष होबार संपूर्ण भाव तरीका रहिबार आवश्यकता रही कहीं बारटा गोटे जहाँकि सूचना मिलू मात्राधिक वर्षा गंजाम एवं गजपति जिला ए दुई जिले में मात्राधिक वर्षा हे बारटा गोटाए पर लोक मैंने घर बाहर गोटे पटे मुस्किल हो पड़ निवेता निहांति भाव में प्रशासन सजग हला जेहेतु आपत जमी कहते पीतांबर दिन बारटू गोटाए मध्य लोक केमती स्थानातर कहीं बात्यार प्रभाव विशेषकर जदि आप देखिए गंजाम गजपति पड़ा जहाँ पापाग विशेषज्ञ आकलन आईएमडी जहाँ सूचना रही वर्तमान सुधा बात्या गुलाब गोपालपुर ठारु 270 किलोमीटर रे एवं दूर रे एवं कलिंगपट्टनम ठारु 330 किलोमीटर दूर रे एवं जहाँ आकलन करा जाउछि संध्या सुधा यह लैंडफॉल करि पारे स्थलभाग छुई पारे एवं विशेष करी गंजाम गजपति प्रभावित हो बहुत बहुत धन्यवाद पीतांबर नाहक ब्रह्मपुर प्रतिनिधि आम सहित आलोचना करुले जहाँ कहते पूरा पूरी प्रशासन सजग अच्छी बात्या परवर्त समय बनार आशंका रोचे तेणु कौटिना कौटि लोकों केमती स्थानातर कर सुरक्षित स्थान को कहीं जो कच्चा घर रही भुशुड़ी पड़ार आशंका रही गछ उपड़ आशंका रही एमती कि विद्युत खुंट उपड़
आशंका करा जाउछि। सीधासळख कलिंगपटनामरु आम प्रतिनिधि मनोज आम सहित जोड़ मनोज, बर्तमान स्थिति कौन देखुं? संध्या सुधा लैंडफल कर गोपालपुर और कलिंगपटना स्थलभाग छुईब, बर्तमान चित्र कौन? गुलाब तार करा रूप देखा स्टार्ट कला कि निहाती भाव में निवेदिता देखु गत काली मध्यरात्रु कलिंगपटना जो अंचल रही वर्षार मात्रा सीमित रही झिपझिप रही कि आज सका छटा ठार् बर्षार मात्रा तीव्र हबार लगी। आम आप समुद्र दृश्य देख देखु लगातार समुद्र जो जलस्तर रही बढ़िवार लगी, जलस्तर बढ़िया जो सी बीच समुद्र कूल को लगिकी जो रास्ता थी पिचु रास्ता से जलस्तर बढ़िया समुद्र ढे बारंबार बाजवापर ता देखु संपूर्ण भाव से रास्ता धोई सारे आदि समुद्र लहड़ी कथा कह देखु लगातार समुद्र लहड़ी बढ़िवार लगी, पवन रेग बढ़िवार लगी, जो स्थानीय मत्स्यजीवी मानते से समुद्र भितर को जीवा मना कर जो जो भी जीक भी डंगा समुद्र मध्य से डंगा आड़ को सब बर्तमान समुद्र भितर बाहर को अणा दी जा प्रशासन तरफ नि सब समुद्र कूल रखा जा मत्स्यजीवी मान समस्त प्रशासन तरफ सूचना दि जाए कि जो माने भी मत्स्यजीवी अच्छा से 27 तारीख सुधा समुद्र भितर को प्रवेश करेंगे ना कहीं संध्या 5टा रु 5:30 सुधा ये कलिंगापाटना अंचल रही एठार लैंडफॉल कर सूचना पाणीपाग विभाग तरफ सूचना दि जाए जहां जिते लैंडफॉल कर स्थलभाग छुईब से समय यार तीव्रता पखापाखि 70-80 किलोमीटर रहीबार आकलन करा वर्षा जदि कथा कह देखो लगातार वर्षा बढ़िवार लगी संध्या अपेक्षा आज सकाल दृश्य गत काल दृश्य आज आज दृश्य भितर वर्षार मात्रा लगातार बढ़ समुद्र जलस्तर भी बढ़िवार लगी जो अंचल जी भी उपकूलवर्ती अंचल लोक थे से लगातार स्थानांतरित कर प्रशासन तरफ से सुरक्षित जगह स्थानांतर कर देखो जो भी प्रकार कलिंगपटनमर दृश्य देखा मिलूँ कि ये जलस्तर भी बढ़ुची पवन रेग लगातार बढ़िवार लगी निहाती भाव में जिते बड़े जो सामुद्रिक बात्या गुलाब रही जिते निश्चित भाव में स्थलभाग को छुईब तीव्रता के पाणीपाग विभाग तरफ 70-80 आकलन कर किंतु वास्तव में केतो रहइबो ता स्थल बागु छुइला पर ही जणा पड़िबो। निवेदिता नियंती बाबरे मनोज आउ गोटे कथा आपण जो चित्र देखाउथिले जे गत कालीर चित्र एवं वर्तमान समय मात्र 9:15 बाजिबाकु जाउछि जो ए समय स्थिति जति एमती संध्या बेळ को यार रूप कोन थिबो आपण अनुमान करंतु। किंतु मनोज आउ गोटे कथा जो माने समुद्र कूल रे रहउथिले समुद्र कूलवर्ती अंचल रे रहउथिले तांकु केमती सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जिवो डंगा मध्ये सेमानकर रहइथिबो जो माने कि मत्स्यजीवी रहइथिले आकु निर्भर करी चलुथिबे सेमानकु सटीक ढंग रे स्थानांतरण करागलाणि कि नाही ना नाही ए पर्यंत मध्ये प्रक्रिया चालीछि। जदि एबेठार एमती स्थिति कुआ जाय पारे पानी भितर जते समय रहिबो बात्या गुलाब सेते स्थलभाग छुले तीव्रता तार अधिक मध्ये होइ पारे जो आकलन वर्तमान समय रे करा जाउछि 70 80 किबा 90 ताठु अधिक मध्ये होइ पारे। देखु जो पाणीपाग विभाग तरफ जो सूचना दिखाई कि स्थलभाग छुईला बेलू बात्या जो सामुद्रिक बात्या गुलाब 70-80 कि 90 किलोमीटर रोक किंतु वर्तमान जहाँ कलिंगपटनम स्थिति रही स्थित को देखला पर लगुच स्थलभाग छुईला बेलू आर बेग निहाती भाव में बढ़ देखु लगातार 12 घंटा धरिकी 8-12 घंटा धरिकी वर्षा लगातार बढ़िवार लगी। जदि आम कह जो मत्स्यजीवी रही थे जो मैंने समुद्र कूल में रोते से जीविका निर्वाह करते वर्तमान समय प्रेस मीट आसुची भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सीधा सख नहीं चलु गति करा छड़ा यार जो वर्तमान दूरता रोचे गोपालपुर ठार् पाखापाखि 270 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व दिगरे रोचे एवं आमर कलिंगपाटनम ठार् पाखापाखि 330 किलोमीटर दूर रोचे जहाँ अनुमान कर आज मध्यरात्रि पाखापाखि आम जी कह 9 पर आपणकर ये जो लैंडफॉल प्रोसेस प्रक्रिया बा जो उपकूल छुईबार प्रक्रिया आरंभ हमार संभावना रोचे तापर आपणकर गोटे सामुद्रिक झड़ हिसाब से लैंडफॉल करवा समय सामुद्रिक झड़ भाव लैंडफॉल कर पवन रेग से ही समय 75-85 झटका पवन 95 किलोमीटर पर्यंत रहीबार संभावना रोचे ता छड़ा आमर जोटा कि वर्तमान जो तार स्थित रोचे समुद्र मध्य पवन रेग 70-80 झटका पवन 90 किलोमीटर पर्यंत रोचे गत काली जो आम वार्निंग जारी करा
पाखापाखि 7 जिला को रेड वार्निंग जारी करा जायतिला सेटा आज मध्य बलवत्तर अछि जोटा कि हमर वर्षा पई गोटे रु दुटी स्थान रे 20 सेंटीमीटर रु अधिक वर्षा हमर संभावना रहउछि और किछि किछि स्थान रे हमर 12 रु 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा संभावना रहउछि पवन रो वेग जोटा रहितला गतकाली आमर आज बलवत्तर रहिबो किंतु डे 2 रे जेहेतु आपणकर जो लैंडफॉल प्रक्रिया प्रोसेस टिके विलंब होउछि डे 2 रे मध्य आभ्यंतरण ओडिसा रो किछि जिल्ला रे पवन रहिबार संभावना रहउछि जोटा कि 40 रु 50 किलोमीटर वेग रे पवन रहिबो ता छोडा आपणकर जोटा कि वर्तमान जो गतकाली रो सूचना थिला आमर लैंडफॉल प्रक्रिया समय रे सबुठारु अधिक प्रभावित भाबे गंजाम आ गजपति सेटा भी बलवत्तर अछि जोटा कि पवन रहिबो 75 रु 85 झटका पवन रहिबा संभावना अछि 95 किलोमीटर पर्यंत आमर पुरी एवं खोर्धा रे जो आमर रहउछि दक्षिण ओडिसा रे दुटी उपकूलवर्ती जिला ता छोडा आभ्यंतरण रे आमर रहउछि कोरापुट एवं रायगडा एई चारोटी जिला रे पवन रहिबो लैंडफॉल प्रक्रिया समय रे 55 रु 65 झटका पवन 75 किलोमीटर रहिबार संभावना रहउछि ता छोडा नवरंगपुर मालकानगिरी एवं आमर जोटा रहउछि कि नव नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल एई जिला गुडकर मध्य पवन आपणकर जोटा रहिबो 40 रु 50 झटका पवन 60 किलोमीटर पर्यंत रहिबो तापरे आपणकर ओडिसा रो जो बाकी जो उपकूलवर्ती अंचल रहउछि उपकूलवर्ती तार जो कोस्ट लाइन एरिया रे पाखापाखि पवन 40 रु 50 झटका पवन 60 किलोमीटर पर्यंत रहिबार संभावना रहउछि लैंडफॉल प्रक्रिया समय रे परे या धीरे धीरे 6 घंटा मध्य रे दुर्बल होबार संभावना रहउछि 12 घंटा पर्यंत ये गोटे डिप्रेशन अवपात भाव रहइबो जे अनुमान करा जाउछि आसंता काली मध्य आमर जोटा कि कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर ए तीन जिला को गोटे रु दुईटी स्थान रे आमर प्रबल वर्षा अति प्रबल वर्षार संभावना थिबारु आमर वार्निंग जारी करा जाइछि ता छडा पर्टिकुलरली भुवनेश्वर पई मध्य आमर आज खास करके मझिरे मझिरे आपणकर कोन कोन इंटेंस स्पेल रहिबार संभावना रहउछि जोटी जो वर्षार परिमाण 2 रु 3 सेंटीमीटर घंटा प्रति रहिबार संभावना रहउछि एवं दिन तमाम आपणकर मेघुआ पाक रहइबो एवं ता छड़ा पवन रेग जोटा कि कहला आपणकर 45 किलोमीटर पर्यंत 45 रु 50 किलोमीटर पर्यंत रहिबार संभावना रहउछि ता जे को कहउ जोंति जे मध्यरात्रि हबो 9टा परे लैंडफॉल प्रोसेस स्टार्ट हबो वर्षा केते बलटु स्टार्ट हबो गंजाम गजपति नवरंगपुर जो 7 जिला को वार्निंग दे छथि केते बलटु वर्षा प्रोसेस स्टार्ट देखंतु ऑलरेडी वर्षा आरंभ होइ सलेनि हमर जो जो जहा वार्निंग देहा इतला सूचना आपण पाखा पाखी गत काली ठारु वर्षा आरंभ होइ सारिसि आपणकर वर्तमान सुधा उपकूलवर्ती सबु जिल्ला रे आपणकर वर्षा वर्तमान लागि रहिछि आम पाखरे हस्तगत होइता तथ्य अनुसार वर्तमान सबुठारु अधिक वर्षा चांदवाली ठारे पाखापाखि 21 मिलीमीटर रेकॉर्ड करा जायछि एवं आमर जे अनुमान अछि आपणकर ए जो वर्षार प्रभाव आपणकर एंटायर कोस्ट लाइन रे रहिबो जो कारण जो सामुद्रिक झड़टी रहउछि तार जो आउटर बैंड रहउछि सेगुडिक उपकूलवर्ती अंचल को प्रभावित करिवार संभावना अछि जोटिकि वर्षार प्रभाव रहिबो पवन जोटाकि पूरा कोस्ट लाइन को रहउछि सेठी आपणकर 40 रु 50 किलोमीटर वेग रहिबार संभावना अछि गंजाम गजपति बेसी अफेक्टेड हबो जे लैंडफॉल हबो गंजाम गजपति बेसी अफेक्टेड हबो गंजाम गजपति बाद भी आउ को जिल्ला बेसी अफेक्टेड हबो ता परे करे देखंतु जहां सूचना दिया जाइछि पूर्वरु भी देइ आसु आमे जोटाकि गतकाली भी दिया जाइथिला जोटा जेहेतु एटा सामुद्रिक झड़ एवं लैंडफॉल जो रहुछि आमर संभावना रहुछि गोपालपुर कलिंगपाटनम मध्यरे ते जेतेबेले आपण गोटे सिस्टम लैंडफॉल करुछि तार उत्तर भागरे जो अंचल गुडी रहुछि सेथिरे अधिक पवन होबार संभावना रहुछि लैंडफॉल साधारणतः 2 रु 3 घंटा पर्यंत प्रक्रिया चलछै जो आमर 9टा रु 10टा रु पाखापाखि आरंभ होबार संभावना रहुछि सेही समय रे आपणकर प्रक्रिया जोटा रुहे साधारणतः भाबरे 2 रु 3 घंटा मध्ये देखो निर्दिष्ट स्थान जोटा आप वर्तमान समय मानने जेहतु दूर अच्छी जो आहरी पाखक आसब से सठिक भाव बर्तमान आम 270 किलोमीटर पाखापाखि रोच 200 किलोमीटर भितर आसला आपा पड़ो जहाँ क्यों अंचल पाखापाखि कितु आम जो लोकेसन दिखाई बर्तमान जोटा कि कलिंगपाटनम गोपालपुर पाखापाखि दूरता रोचे 130 किलोमीटर ता मझा मझी जी पास कर आपणकर तार विशेष प्रभाव पड़ोनी जदि आपणकर जो देखो जदि देखा वर्तमान जो स्थिति रोचे आपणकर देखा तार उत्तर दक्षिण जो अच्छी जो आमर एरिया जो व्यास रोचे पाखापाखि 172 किलोमीटर पर्यंत मेन जो मुख्य जो क्लाउड मास रोचे और पूर्व जो पश्चिम पाखापाखि 125 किलोमीटर पर्यंत रोचे साइक्लोन
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପବନ ଯୋଉ ବେଗ ରହୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜଡିତ, ତାର ତୀବ୍ରତାକୁ ତା ପବନର ବେଗ ହିଁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆମର ଯୋଉ ବେଗ କୁହାଯାଉଛି 75-85 ଝଟକା ପବନ 95, ତାର ତ ସାଇକ୍ଲୋନର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫିକେସନ ହେଉଛି ଏଇ ପବନରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାତ୍ୟା ଅନ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ କୌଣସି ସିମିଲାରିଟି ଆମେ ଦେଖୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଯୋଉ ବୁଲେଟିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହଉଥିଲା ନିରନ୍ତର ଭାବେ, ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବେଗ ଥିଲା ବାତ୍ୟାର ପାଖାପାଖି 17 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ରାତ୍ରିରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 7 କିଲୋମିଟର ଥିଲା ଏବଂ 10 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଗତି କମିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଟାଇମ୍ ଯୋଉ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତିତଲି ତ ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି ମୁଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିକର୍ଭ କରିନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିଲା, ଯୋଉ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ତା ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଲା ତାର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଥିଲା, ତା ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ରହିଥିଲା। ଆମର ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ପାଇଁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଅକସ୍ମାତ୍ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ବି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରିଭର୍ ଲାଇନ୍ ଫ୍ଲଡିଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ରହିବ ସେଥିରେ ବି ରିଭର୍ ଲାଇନ୍ ଫ୍ଲଡିଂର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ସାର୍ ଏବେ ତାର ବେଗ କମିଯାଉଛି, କହିଲେ ବେଗ ଯଦି କମିଯିବ ଆହୁରି ଶକ୍ତ ହବ, ତ ବେଗ ଆଉ ଯଦି କମିଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ଲଘୁଚାପ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଅବପାତ ସେଠାରେ ବହୁତ ଧୀରେ ମୁଭ୍ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ତୀବ୍ରତା ସେମିତି ନଥାଏ, ତେଣୁ ତାର କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି ନାହିଁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ଼ଟି ବଢ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତେଣୁ ତାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉପକୂଳ ଆସିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସଜେସନ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅକସ୍ମାତ ବନ୍ୟା କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ସୂଚନା ପାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ଆପଣ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଅବପାତରେ ରହିବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ଗତି ଯେଉଁ ବେଗ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନାଲ ସ୍ପିଡ଼ ରହୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବାତ୍ୟାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ଯେଉଁ ଫଲ୍ କରୁଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପ ଯେଉଁ କମିଯାଏ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କେତେ ତୀବ୍ରତା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆମର ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି 35-45 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଦିନ ତମାମ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ସୂଚନା ଜାରି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ନିଜକୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଏଥିରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେହେତୁ ପାଣି ଭିତରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା କମୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି 7 କିଲୋମିଟରରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପାଣି ଭିତରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା କମୁଛି, ତେଣୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଏହା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାତି 9ଟାରୁ 10ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅପଡେଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 45-45 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 35-45 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଯାହା ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ, ଏଠାରେ
पवन रेग जत स्थलभाग छुईब बात्या गुलाब से 75 किलोमीटर बेगर पवन बहब और झटका पवन 95 पर्यतारे जहां बर्तमान समय बाबद खबर आसी पहुंचुची और विशेषकर पूरी खोर्धा कोरापुट रायगड़ा ए सबु जिले में बर्षार परिमाण अधिक रवन रेग अधिक रहीपे एवं विशेषकर 7 जिला को गतकाली जमती रेड अलर्ट जारी करा जाई थला सेही प्रक्रिया मध्ये रही छि 7 जिला को रेड अलर्ट जारी करा जाई छि एवं 40 रु 50 के अभ्यंतरण जिला गुड़ी करे पवन बही पारे जहां रिपोर्ट आसी पहुंचु छि भद्रक चांदबाली रे 21 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाई छि वर्तमान पर्यंत एवं विशेषकर कलिंगपट्टनम रे वर्षा मध्ये आरंभ हो गलाणी तबे पुनि थरे कहि रखबा को चाहिबी लैंडफॉल प्रक्रिया रे सामान्य विलंब होई पारे जे पर्यंत बात्या गुलाब पानी मध्ये रहिब एयार बेग जेहेतु कमुची तेणु यह आकलन कराऊ संध्या सुधा लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ होबार जो समय दि जाइला यह सामान्य विलंब होब राति 9 टू 10 टा मध्ये लैंडफॉल करिपारे बात्या गुलाब।